रायसेन बरेली से हमारे संवाददाता गौरव पटेल की रिपोर्ट। रायसेन की बरेली नगर में सुबह 6 बजे कोचिंग जा रही 12वीं क्लास की लड़की को युवक ने छेड़छाड़ की। छात्रा का मुंह युवक ने मुंह दबाकर उसके पीछे दूर तक खींचकर ले गया, जिससे छात्रा का बचाव के लिए चिल्लाया तो वहां मौजूद लोगों ने युवक को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। इस दौरान आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ और सुबह 6 बजे अंधेरा होने के कारण आरोपी की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। छेड़छाड़ की घटना क्षेत्र में के भाजपा पूर्व विधायक रामकिशन पटेल को लगते ही रामकिशन पटेल भी बरेली थाने पहुंचे और आवेदन देकर आरोपी को जल्दी से जल्दी पकड़ने की बात कही। कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस की लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि कोचिंग क्लासेस का समय सुबह 6 बजे निश्चित है। यहाँ सुबह 6 बजे से इतनी कड़ाके की सर्दी और अंधेरे के कारण कोचिंग क्लासेस शुरू हो जाती हैं, जो देर रात तक चलती हैं, जिस पर नगर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, ना ही कोई सुरक्षा की दृष्टि से गाइडलाइन निर्धारित की गई। कोचिंग क्लास अटेंड करने के लिए सुबह करीब 6:15 बजे जा रही थी। उसे शिकायत की है कि कोई अज्ञात लड़का था जिसको पहचानती नहीं है, उसने पीछे से आके उसका मुंह दबा दिया, मुंह पकड़ लिया। वो बचने के लिए चिल्लाई तो सामने से कोई पटुआ थे, उनने देखा तो वो चिल्ला के उसको पकड़ने दौड़े, तो लड़का वहाँ से भाग गया। सर, क्या सीसीटीवी द्वारा लड़के की पहचान की जा रही है? हाँ, वहाँ सीसीटीवी जो लगे हैं उसमें देखा जा रहा है, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा अभी, उसको और क्लियर करके देखा जा रहा है। बेगमगंज से हमारे संवाददाता भरत सिंह की रिपोर्ट। अखिल भारतीय दशानंद गोस्वामी समाज के तत्वाधान में धूमधाम से मनाई गई भगवान श्री दत्तात्रेय जी की जन्म जयंती। बेगमगंज अखिल भारतीय दशानंद गोस्वामी समाज के तत्वाधान में आगहन पूर्णिमा की अवतरित हुए भगवान के 10वें अवतार भगवान श्री दत्तात्रेय जी की प्रथम बार जन्म उत्सव मनाया गया। दशहरे मैदान में सर्वप्रथम गणेश पूजन एवं सरस्वती वंदना के बाद भगवान श्री दत्तात्रेय जी की तस्वीर का पूजन अर्चना कर ट्रैक्टर ट्राली में भगवान दत्तात्रेय जी की झांकी सजाकर नगर के भव्य यात्रा निकाली गई, शोभा यात्रा निकाली गई और सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए। भगवा ध्वजा ढोल नगाड़े के साथ जयघोष करते हुए सभी नर नारी चल रहे थे। भगवान दत्तात्रेय की झांकी से अक्षय शराब नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मलकान सिंह जाट, पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल ने अपने निवास पर हार फूल माला श्रीफल से पूजन की, जगह जगह उसका स्वागत किया गया। बागली से हमारे संवाददाता रवि पाटीदार की रिपोर्ट। बागली के जटाशंकर में हुई भाजपा संभागीय बैठक, लोकसभा की तैयारी को लेकर हुई बैठक, अनेक पूर्व मंत्री व विधायक हुए शामिल। 19 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी का दौर शुरू हो गया। विधानसभा चुनाव का हार का सामना कर चुकी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रही। शनिवार को बागली में जटाशंकर तीर्थ स्थल पर उज्जैन संभाग के संभागीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें संभाग प्रभारी विधायक उषा ठाकुर, प्रदेश मंत्री पंकज जोशी, संभागीय संगठन मंत्री प्रदीप जोशी ने उज्जैन संभाग केंद्रों पर संभाग स्तरीय बैठकें हुई है। इसमें संभाग के अंदर प्रदेश के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, जिला प्रभारी से एक क्राइटेरिया हमने तय किया था प्रदेश में, और मूलतः इसमें आगामी 3 महीने मार्च अप्रैल तक के कार्यक्रमों को हमने इंगित किया है। हमारे जो 7 मोर्चे हैं, उन 7 मोर्चों को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम दिए हैं, जनता तक पहुंचने के, मतदाता तक पहुंचने के, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के अलग अलग विषय हैं। और उसमें आज की कार्य योजना संभाग स्तर पर नहीं है, अब इसका जिला स्तर पर उसको मूल जैसे इसे करना है, इस बारे में विचार करने के लिए बताया गया है। तेंदुखेड़ा से हमारे संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट। तेंदुखेड़ा विधायक ने कराया भव्य नर्मदा तट पर भंडारा। तेंदुखेड़ा के नर्मदा चित विधायक मान्य संजय शर्मा का प्रथम नर्मदा आगमन हीरापुर वाले दादाजी के घाट पर हुआ, जहां पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना एवं समस्त उपस्थित साधु संत एवं गरीब जनता के लिए एवं कार्यकर्ताओं के लिए विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई। संजय शर्मा ने अपनी जीत के लिए समस्त तेंदुखेड़ा विधायक विधानसभा मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए पत्रकार वार्ता में दौरान बताया कि माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में समस्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार प्रदेश व्यापी के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं योजनाएं में विकसित मध्य प्रदेश की कल्पना को साकार करने का प्रयास करेगी एवं आने वाले लोकसभा चुनाव में होशंगाबाद लोकसभा सीट से, जो कि परंपरागत भाजपा की सीट कहलाती, इस बार इस पर कांग्रेस का परचम लहराएंगे। कमलनाथ जी ने वादे के अनुसार प्रदेशवासियों को जो वादे किए थे उन्होंने पूरे किए एवं भविष्य में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की, कार्यकर्ता अपने आप में काम करके जब प्रसन्न होता है तो ऐसे परिणाम आते हैं। लेकिन मीडिया के सूत्रों से खबर आ रही कि आपको जो है मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। मीडिया के लोग जाना है, अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है, पार्टी ने जो निर्देश करी वो काम करेंगे, विधायक बने जनता की सेवा करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है
अपनी रणनीति बनाएगी? कांग्रेस पार्टी जो भी रणनीति बनाएगी जीतने के लिए बनाएगी।